भी आप फास्ट क्यूबर, अगर आप क्यूबिंग करते हो तो आपको उसमें फास्ट होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इस तरह से करोगे, बिल्कुल नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से फास्ट नहीं, अगर आप इस तरह से करोगे, नो ऑफ कोर्स नॉट ब्रो, आपको क्यूबिंग कॉटेज में निकाल दिया जाएगा। तो अगर आपको फास्ट क्यूबर बनना है तो उसके लिए आपको एक चीज करनी होती है, मैं आपको इस वीडियो में चार स्टेप बताऊंगा, उन चार स्टेप को आपको देखकर आप फास्ट क्यूबर बन सकते। फर्स्ट है रूबिक्स क्यूब। अगर आपका क्यूब ही ऐसा होगा तो क्या करोगे, आपको एक इस तरह का क्यूब चाहिए जो फास्ट हो। अगर आप रूबिक्स बैंड रहते हो, जो आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप रूबिक्स बैंड का क्यूब लेते हो तो वो आप कभी मत लेना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी सबसे पहला, मेरा ये दोनों क्यूब नहीं थे ना, फिर ये या फिर ये या फिर, तो मेरा सबसे पहला जो क्यूब था वो था रूबिक्स का, क्योंकि उस टाइम मुझे आता नहीं था कैसे करना है। उसके बाद मैंने एक और क्यूब लिया, उसकी भी घटना है, फिर उसके बाद मैंने ये क्यूब लिया और फिर मैंने लास्ट ये क्यूब लिया जो बहुत ही मस्त क्वालिटी का है। तो ये जो मैं दोनों क्यूब है, ये वाला तो आप देख रहे हो, ये है मैजिक क्यूब कंपनी। अगर आप बिगिनर हो तो मैजिक क्यूब कंपनी का आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको फास्ट क्यूब बनना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गोयो कंपनी का क्यूब ले लो। आज वीडियो में जितने भी मैं क्यूब दिखाऊंगा सबके नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, गोयो कंपनी का जो क्यूब होता है बहुत ही मस्त क्वालिटी का क्यूब होता है, आप वो ले सकते हो, ज्यादा महंगा नहीं होता है, सिर्फ मुझे क्योंकि उसके बाद ये बहुत ही मस्त क्यूब होता है, आप इसे रिकमेंड कर सकते हो अगर आपको फास्ट क्यूबर बना है। अगर आप उससे भी ज्यादा चाहते हो तो ज्ञान ले लो यार, पैसे होंगे तो उसके। अगर आप कुछ इस तरह का क्यूब लेते हो तो इसमें कभी भी प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि ये जो इसका सरफेस होता है आपका वो कैसा हो जाएगा। तो अगर आप ये, तो मैं आपको ज्यादा नहीं करूंगा, इससे कभी भी प्रैक्टिस करना आप, बाकी आप इससे ऑब्वियसली सेकंड है फिंगर टिप्स। आप अगर आप बिगिनर हो, बिगिनर लोग कुछ इस तरह से करते हैं, कितना टाइम, और अगर आपको फिंगर टिप सीखने होंगे, अगर आप फिंगर टिप सीखोगे तभी जाकर आपका ये बिस्किट जल्दी हो सकता है। मैं सिर्फ थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, वरना आपकी मेहनत, अगर आप देखो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इस तरह से करोगे, नो ऑफ कोर्स नॉट, आपको अगर आप इस तरह से करोगे, नो आपको अगर इस तरह टर्न करने, तो अपनी ये दो फिंगर लो और इससे ऐसे करो। अगर आप कुछ ज्यादा फास्ट करना चाहते हो दोनों को ले लो और ऐसे, बट मैं तो अभी आप हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर राइट, अगर आपको राइट की तरफ करना है तो इस तरह से, अगर आपको ऊपर की तरफ करना है कभी भी आप ऐसे मत करना, ये बहुत क्यूबर्स गलत करते हैं, आपको सिर्फ इसे ऐसे करना होता है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अगर आप इस तरह से करना है तो आप इधर से कर सकते हो। अगर आपको बीच का करना है तो बीच का थोड़ा आपको प्रैक्टिस लग जाएगा, आपको ये दोनों फिंगर्स लेनी होती है और आपको उसे एक ऐसे फिर दूसरा ऐसे, एक ऐसे दूसरा ऐसे, आप एक इजी मैटर सीखो, सिर्फ ये वाली उंगली से, सिर्फ ऐसे इजी है। और अगर आप वापस से बोलूंगा इस क्यूब में वापस से मत करना, अगर आप वैसे फन के लिए कर रहे हो तो कर दो, बट प्रैक्टिस के लिए तो सुनिए, आपको थोड़ा लग जाएगा क्या क्यूब है। बाकी आप दोनों में से कोई से, बाकी ये क्यूब यूज करिए। मैं तो अगर ऐसे करना हो फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अगर आपको नीचे का करना है तो आप इधर से टर्न कर सकते हो इधर, अगर आपको इधर का करना है तो इधर का कर सकते हो। बैक के लिए तो मैं ये वाली फिंगर यूज करता हूँ, ये वाली ऐसे। नंबर थ्री इज मेथड। अगर आपका मेथड ही ऐसा है, अगर आप बिगिनर हो तो आप बिगिनर मेथड से करोगे, जिसमें आपको पहले एक वाइट क्रॉस बनाना पड़ता है, फिर उसके नीचे आपको ये लगानी पड़ती है, फिर आपको ये तीन यहाँ पे, ये जो यहाँ जो लेयर्स पूरे सेकेंड लेयर बनानी होती है, फिर आपको यहाँ का क्रॉस बनाना होता है, फिर आपको ये कंप्लीट करनी होती है, फिर आपको ऊपर, यस टू टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप बिगिनर हो तो आप वो ट्रिक सीखो, नो प्रॉब्लम, पर आप दो तीन महीने लिखने के बाद आप यही करते रहोगे तो क्या होगा,
जिसमें आपको वाइट क्रॉस बनाना है और वैसा ही वैसा एडवांस मेथड सीखना पड़ेगा जिसे सीप ऑफ कहते हैं। सीप ऑफ में आपको पहले तो क्रॉस बनाना पड़ता है, क्रॉस के साथ ये इसके कॉर्नर इंसर्ट करते करते ही आपका ये सेकेंड लेयर भी बन जाती है, और OLL और PLL करोगे तो पूरा बन जाएगा। तो आपको ये वाला जो मेथड आपको ये करना होगा, वरना आप इस छोटे से मेथड पे लगे रहोगे और आपका क्यों जल्दी कभी फास्ट नहीं होगा। जब मैं था बिगिनर था तो मैंने वही सीखा था, बट उसमें मुझे 1-2 मिनट लग जाते थे, बट अब मैंने सीप ऑफ मेथड सीख लिया है तो उसमें क्या है मुझे 40 सेकेंड्स लगते हैं सीरियसली। नंबर फोर में है कि आपको कौन सा टाइमर यूज करना चाहिए। अगर आप क्यूब कंपटीशन में जाते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टैकमर टाइमर लो, बट स्टैकमर टाइमर बहुत महंगा होता है। बट अगर आप जाते हो वहां पे तो आपको उसकी आदत डालनी होगी, वरना आपको ऐसे होता है ऐसे करना होता है, जब ग्रीन लाइट नहीं चलती तब तक ऐसे रखना होता है, फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना होता है, जैसे ही होता है तो आपको ऐसे फटाफट से करना होता है। इट इज सो इजी। बट अगर आप वहां नहीं जाते, अगर आपको स्कैनर नहीं डालनी, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फोन में। अगर आप फोन में करना चाहते हो तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो क्यूब टाइमर। जैसे आप क्यूब टाइमर करोगे तो ऊपर टॉप पे आएगा, नीचे को स्क्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं, टॉप पे आएगा। बस आपको क्या करना होता है, यहाँ पे से उंगली रखनी होती है, अरे यार उंगली रखनी होती है, फिर जब तक ये ग्रीन लाइट नहीं चलती आई तब तक इसे नहीं करना होता, जैसे चलेगी और बस बस आपको इधर ऐसे करना होता है, आपका क्यूब सॉल्व हो रहा है और फटाफट से आपको एक यहाँ पे उंगली लगानी होती है, जैसे स्टॉप हो जाएगा। दैट्स सो क्यूब। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ये क्यूब गोयो कंपनी का है जो बहुत ही मस्त, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप ये रिकमेंड कर सकते हो। मैजिक क्यूब अगर आप बिगिनर तो ले लो मरना, क्योंकि मैजिक क्यूब और इसमें आप बहुत अंतर देखोगे कि इसमें आपके जो ब्राइट कलर्स आपको दिखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये गोयो का और ये इसका, इसमें बहुत ब्राइट कलर्स हमको दिखेंगे, रेड में भी आप देखो, बट ग्रीन में बस हमें इसमें थोड़ा डार्क दिखता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाकी बहुत अच्छा क्यूब है बबल क्यूब, मैंने वापस से बोल रहा हूँ, कभी भी इसमें प्रैक्टिस मत करना किसी भी मेथड का। बिगिनर मेथड आप ले सकते हो, उसे तो बहुत मेथड बने हुए हैं, मैं तो सीप ऑफ मेथड से करता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर सारे के सारे जो मैंने क्यूब जो मेरे पास है जितने भी है, मैंने तो ज्यादा नहीं दिखाए, और ये क्या करो, ओ अगर जितने भी मेरे पास क्यूब है उसके सब दे दूंगा, मैं सारे तो नहीं दिखाया बट जितने भी हैं मैं उनके दे दूंगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो से लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।